हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। कैसे हो भाई आप सब लोग? कई दिनों से आप लोग वीडियो का वेट कर रहे थे, तो सब लोगों का कमेंट आया कि भाई थोर से जब आप मिले हो, जो जूनियर थोर है, तो क्या रिएक्शन रहा। क्योंकि अगर आप लोगों को पता नहीं है तो भाई जो हमारा मेन थोर जो था उसकी डेथ हो गई थी, और उसके डेथ होने के बाद हमने बहुत प्रे करा कि भाई उसका बच्चा जो है ना वो प्लीज़ हमें मिल जाए। क्योंकि जब उसकी डेथ हुई थी तो उस टाइम वो दो फीमेल के साथ उसकी मेटिंग हुई थी, तो उनमें से एक फीमेल में हमें बच्चे हो गए थे। और ये सब अगर आपने नहीं पता तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ से पता चल जाएगा। तो फिर उनमें से एक फीमेल के बच्चे हुए थे, जिसमें से जो हमने एक बच्चा रखा था अपने पास जो बिल्कुल थोर जैसा ही था, तो उसका नाम जूनियर थोर है। और अब वो 14 मंथ्स का हो गया और मैं उससे पहली बार मिलूँगा, क्योंकि मैं यूके में रहता हूँ और जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से ही वो मम्मी और के पास रहता है। तो मतलब मैं एक बार भी नहीं मिला था उससे, पर भाई उसको मैंने वीडियोस पे देखा है, वीडियो कॉलिंग पे मिला हूँ मैं उससे। तो एक एक्साइटमेंट रहती है ना भाई कि मैं घर जा रहा हूँ। जब थोर था बड़े वाला, जब मैं घर से आया था, पर अब मैं वापस जा रहा हूँ तब नहीं था। तो पापा ने मुझे यूँ कहा था कि कन्नू बेटा तू आ जा, तेरे को थोर ही मिलेगा। तो ये वो वाली सीन है भाई, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स है, जो हमारी पुरानी मतलब जो हमारी फैमिली है, आप लोग उनको पता है, जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं इस बारे में, तो वही थी। तो अब जो मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, उसमें ये है कि मैं पहली बार छोटे थोर से मिल रहा हूँ। और ये मानू ने शूट करी थी, तो थोड़े इधर उधर हो रही है वीडियो ऊपर नीचे, पर उसे बेयर करना, पर वो अच्छी वीडियो है, देखना। और इसके बाद आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, जो हमारा पेट डोमेस्टिक फार्म है उसके बारे में एक बिग अपडेट है। वो इस वीडियो पहले ये क्लिप है, उसके बाद वो क्लिप आएगी, तो उसे भी पूरा प्यार देना। और भाई हमारे पास दो गोल्डन रिट्रीवर के पपीज बचे हुए हैं, अगर किसी को लेने हैं तो नंबर आ रहा है, कॉल करो और जल्दी जल्दी फ़ोन करो। प्यारे प्यारे पपीज है, अपनी नई फैमिली मेम्बर को ले जाओ अपने पास। और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक आ जाएगी, अब हर वीक वीडियो आने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। थोड़ी ये कौन है? मिलते तो मिल भी नहीं रहे। मिलेगा मिलेगा, बैठ जा। थोड़ी ये कौन है? पापा में इंटरेस्ट है जूते उतार दे। थोड़ा कौन आ गया ये? छोटी छोटी याद है तो छोटी याद थोड़ी मोटे ठीक है।
थोड़ी देख देख नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पैदर्श की फार्म पे। आप सभी को पता है कि हम पैदर्श की में हॉस्टल सर्विस देते हैं, लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, और जो नए लोग हैं, जो नए लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनको उनके लिए बारे में दोबारा से बता देता हूँ कि पैदर्शी को 2 साल होने को है। अभी फरवरी में 2 साल हो जाएंगे, और इन 2 सालों में पैदर्शी ने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं। जो हॉस्टल की जो हमारा परिवार है, कम से कम ये लगा लो 25 से 30 परिवार फैमिली ऐसी हमारे पास जो रेगुलर हम उनको सर्विस दे रहे हैं। कभी भी वो बाहर भीतर, जब भी कभी उनका कोई फंक्शन होता है, फैमिली फंक्शन होता है, ब्याह शादी होती है, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो अपने यहाँ पे वो अपने डॉग को छोड़ के जाते हैं। दूसरी बात ये है कि डॉग ट्रेनिंग हम यहाँ पे तो करवा ही रहे हैं, और इसके अलावा हमने कहाँ कहाँ शुरू की है, हमने जींद भी शुरू की है डॉग ट्रेनिंग। जींद के आसपास जो एरिया है 20 से 30 किलोमीटर तक का, वो सारा आप कवर कर। इसके अलावा हमने नई चीजें क्या क्या शुरू की है वो मैं एक बार आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहले क्या था कि डॉग ट्रेनिंग हम अपने यहाँ पैदर्शी फार्म पे ही करवाते थे, अब हम घर पे भी सर्विस शुरू कर दी है हमने। अब हम हिसार में अभी भी हमारी 4 स्लॉट हमारे हिसार में चल रहे हैं। जो ट्रेनर है हमारा वो घर पे जाता है और ट्रेनिंग करवा के आता है, और हर डॉग को 45 से 50 मिनट हम देते हैं। यही सर्विस हमने जींद में भी शुरू कर रखी है। इसके अलावा हॉस्टल तो हमारा यहाँ पे है ही, जींद में भी हमने हॉस्टल की सर्विस शुरू कर दी है। और हॉस्टल का ये है कि पेरेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि कभी कोई ब्याह शादी, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, कहीं बाहर भीतर जाना है, तो वो कहाँ छोड़े। हमने भी पेट डायवर्सिटी की शुरुआत 2 साल पहले यही सोच के की थी, क्योंकि मेरे पास भी 4-5 पेट है, तो मेरे को भी कहीं जाना पड़ता था, तो या तो मैं मेरे दोस्तों के पास छोड़ के जाता था या किसी जान पहचान में। लेकिन जान पहचान वाले भी 1-2 दिन तक तो कोऑपरेट कर लेते हैं, उनकी भी मजबूरी है कि वो ज्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे। तो हमने ये स्पेशल ये सर्विस इसलिए शुरू की थी कि किसी को भी परेशानी ना हो। इसके अलावा ये बाहर के केजेज है, ये 10x10 का केज है। जब मौसम ठीक होता है, जब गर्मियों की घाट पर या ठीक मौसम होता है, यहाँ पे भी हम बच्चों को रख लेते हैं। और ये हमारा किचन एरिया है, यहाँ पे जो डॉग का खाना बनता है, वो घर पे छुट्टी गए हुए हैं। और ये कोको है, ये 20 दिन से भी हमारे पास आया हुआ है, बड़ा प्यारा बच्चा है। इसके अलावा ये देखो, ये 6x6 का एक रैक है, ये मान लो कि छोटा रूम है, आराम से लोग बिल्कुल इजली अंदर कंफर्टेबल होके रह सकता है, खेल सकता है, अपना रेस्ट कर सकता है। 36 दिन का बिल्कुल एक्टिव है, बहुत बढ़िया अच्छे हैं। ये देखो आप, प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये। अगर किसी को गोल्डन रिट्रीवर लेना है तो एक नंबर पे फोन कर सकती हो। अगर कोई फर्स्ट टाइम कोई अगर बच्चे को रखना चाहता है, कोई डॉग को रखना चाहता है, सबसे पहली चॉइस है गोल्डन रिट्रीवर, क्योंकि ये फैमिली और ब्रीड है, सबके साथ मिलजुल के रहना पसंद करती है ये। तो अगर आपको, अगर आपका मन है एक गोल्डन रिट्रीवर लेने का, तो कर सकते हो पैंडा से। इसके अलावा मैंने आपसे एक और बात करनी थी, वो ये है कि जो हम सर्विस दे रहे हैं जींद में और हिसार में डॉग ट्रेनिंग की, मेरे ट्रेनर भी है मेरे पास, मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। ये मेरे ट्रेनर है, और पैदर्शी में हम मिलके काम करते हैं। अभी भी हिसाब में 4 जो मैंने अभी आपको बताया था, हमारे पास 4 ट्रेनिंग है, और वो 4 ट्रेनिंग हम यहीं से घर में सर्विस देते हैं। दूसरी बात बाकी और गोभी की थोड़ा आप बता दें, हमारे पास इसके अलावा बाथिंग की सर्विस है और ग्रूमिंग की सर्विस है। बाथिंग की सर्विस में हम आपको घर में भी अवेलेबल कर देंगे, आप अगर फार्म करना चाहते हैं तो फार्म पे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे कर देंगे। अगर प्रॉपर कटिंग करवानी है आपको, जीरो साइज करवाना है, या कुछ भी किसी भी तरह का हेयर कट करवाना है,
वो सर्विस भी अवेलेबल है हमारे पास, डॉग मसाज की सर्विस भी अवेलेबल है सभी के लिए। और अब ये वीडियो आपको रेगुलर मिलेगी, आती रहेगी वीडियो, तो नई नई अपडेट के साथ आप देखते रहिए पेट डायवर्सिटी। नमस्कार।